हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्रिएट करने वाले हैं नवरात्रि का 9th डे, विच इज़ द कलर ग्रीन। उसके साथ किस तरीके से आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं स्विस ब्यूटी मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर, एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने पोर्स पर, जहाँ जहाँ पर आपको अपने फेस पर लगता है कि आपको पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, उन एरियाज़ पर आप इसको लगा सकते हो। ये आपको एक स्मूथ बेस प्रोवाइड करेगा फॉर डूइंग योर मेकअप एंड पोर्स को ब्लर आउट कर देगा। देन आई विल बी यूजिंग द स्विस ब्यूटी एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड सबसे पहले इसको मैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। जैसे कि हमें पता है, नवरात्रि एक 9 डे का फेस्टिवल है जिसमें हम 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा को वर्शिप करते हैं, और जो 9th और फाइनल डे होता है नवरात्रि का, वो होता है गॉडेस सिद्धिदात्री का। उनको प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ 4 आर्म्ड डाइटी सिटिंग ऑन अ लोटस होल्डिंग अ मेस डिस्कस एंड बुक एंड लोटस इन हर हैंड। ये जो फॉर्म है गॉडेस दुर्गा की, ये सिग्निफाई करती है परफेक्शन को। सो हम ट्राई करेंगे कि हम अपना मेकअप भी इस दिन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाएं। यू कैन टेक अ लुक एट द कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन। यहाँ पे आपको अमेजिंग मीडियम टू हाई कवरेज मिल जाती है एंड इट ब्लेंड्स आउट सो ईजिली। इसने फाउंडेशन को कितने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी केकी या पैची नहीं लगता आपकी स्किन के ऊपर। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड गिव्स यू एन एयर ब्रश सॉर्ट ऑफ फिनिश। आप इसको बहुत ईजिली इसी तरीके से भी छोड़ सकते हो। यू डोंट इवन नीड टू अप्लाई अ कंसीलर क्योंकि ये आपको अमेजिंगली फुल कवरेज दे देता है। बट वी आर गोइंग टू यूज अ कंसीलर है क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फुल कवरेज मेकअप चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट ऑल ओवर माई फेस। ऑलवेज मेक श्योर वाइल ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन, आप कभी भी अपना फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ड्रैग नहीं कर रहे हो, ऑलवेज डैब इट आउट एंड कवरेज आपके सामने है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर टू हाईलाइट माय फेस। हमेशा आपका कंसीलर आपके फाउंडेशन से 1 to 2 शेड्स लाइटर होना चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी अंडर आइज पे, अपनी आईलिड्स पे, देन ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, अ लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े से एक्ने मार्क विजिबल हो रहे हैं मैं वहाँ पर इसको अप्लाई कर लूँगी। एंड देन यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग आउट। अगर आप चाहो तो आप एक कंसीलर ब्रश भी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली या फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। बट वॉट आई फील इज कि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही जल्दी आपके कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर देता है, इसलिए आई मेक श्योर टू यूज़ अ ब्लेंडर। एंड आपका ब्लेंडर हमेशा डैम्प होना चाहिए, इसकी हेल्प से आपको मैक्सिमम कवरेज मिलने वाली है आपके प्रोडक्ट की हेल्प से। अंडर आइज में भी हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ये कंसीलर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपको एकदम हाई वाली कवरेज देता है। यू कैन टेक अ लुक बाय योरसेल्फ कि लिटरली सिर्फ इतना कम कंसीलर लगाने के बाद भी कितनी अमेजिंग कवरेज इस कंसीलर ने प्रोवाइड किया है। लेट्स जस्ट क्विकली ब्लेंड द सेकेंड आई एंड हेयर इज द फाइनल लुक। इट लुक्स सुपर सुपर अमेजिंग एंड नाइस। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी ड्रॉप एंड ग्लो हाइलाइटर। अगर आप चाहो तो आप इसको अपने फाउंडेशन कंसीलर लगाने से पहले लगा सकते हो, बट मैंने इसको बाद में लगाया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड ग्लो ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं। ये लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड इट आउट एंड यू कैन टेक अ लुक। दिस लुक सो अमेजिंग एंड सो सो नेचुरल। देन आई एम गोइंग टू सेट माई फेस यूजिंग द स्विस ब्यूटी लूज फिनिशिंग पाउडर, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इतना पाउडर और क्रीम प्रोडक्ट्स जो अप्लाई किए हैं तो पाउडर से सेट करना उसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आप देख सकते हैं पाउडर से सेट करने के बाद भी जो हमने हाईलाइटर लगाया था वो बिल्कुल भी डल नहीं हुआ है, स्टिल द ग्लो इज देयर, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मेक श्योर कि जहां पर आपने कंसीलर लगा रखा है उन एरियाज को आप ज्यादा अच्छे से सेट कर रहे हो और बाकी फेस को आप नॉर्मली अपने तरीके से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अप फॉर डूइंग माय फेस मेकअप आई एम गोइंग टू यूज द स्विस ब्यूटी चीका बू पैलेट, जिसमें से सबसे पहले मैं पिक करने वाली हूँ ब्रॉन्जर, एंड दिस ब्रॉन्जर शेड इज सो अमेजिंग गाइज। यहाँ पे और भी शेड्स आ जाते हैं तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना शेड चूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपनी चीक बोन्स को अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर लूँगी, देन माय जॉ लाइन। इससे आपकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प लगती है। अगर आपका डी थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा ब्रॉड फोरहेड है तो आप अपने फोरहेड को ब्रॉन्ज अप कर सकते हो। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ब्रॉन्ज अप माय नोज टू गिव इट अ लिटिल शेप। देन इसमें आपको ब्लश भी मिल जाता है, मैं ब्लश और हाईलाइटर दोनों को मिक्स करके लगाने वाली हूँ ताकि मुझे सेपरेटली ना लगाना पड़े क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले हाईलाइटर जो है वो अप्लाई कर लिया था।
यू कैन टेक अ लुक. द ब्लश लुक सो अमेजिंग एंड बिकॉज मैंने इसके साथ हाईलाइटर मिक्स किया था, फेस कितना ज़्यादा अमेजिंग एंड कितना ग्लोई लग रहा है. दूसरे चीक पर अप्लाई करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नोज पर अप्लाई कर लूँगी बिकॉज इट गिव्स अ वेरी वेरी क्यूट लुक. अब हम करने वाले हैं अपनी ब्राउज को फिल यूजिंग द स्विस ब्यूटी माइक्रो प्रसिशन आई ब्राउ पेंसिल, जिसकी एक साइड पर मिल जाता है आपको ब्राउ प्रोडक्ट एंड सेकेंड साइड पर आपको मिल जाती है स्पूली. द ब्राउ पेंसिल इज सो सो गुड गाइज, आई एम लिटरली टेलिंग यू. यहाँ पे आपको एक बहुत ही फाइन टिप मिल जाती है जिसकी वजह से आप अपनी ब्राउ के एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही ईजिली फिल कर सकते हो. जो फ्रंट सेक्शन होता है हमारी ब्राउज का वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है. एट द सेम टाइम अगर आपको एक नेचुरल लुकिंग लुक चाहिए उसके लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस पूली आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग आउट ताकि ब्राउज बहुत ज्यादा नेचुरल लगे और प्रोडक्ट कहीं भी क्लटर्ड या क्लस्टर ना लगे. देन आई शेडो आई एम यूजिंग दिस ड्यूअल पासपोर्ट फॉर फेस एंड आईज, जिसमें से सबसे पहले मैं ये ब्राउनिश कलर पिक करके अपनी पूरी की पूरी आईलेट पर अच्छे से प्लेस कर दूंगी. इट्स काइंड ऑफ अ मॉव ब्राउन कलर, सो आई थिंक ये ग्रीन ड्रेस के साथ बहुत ही अमेजिंगली और बहुत अच्छे से जा रहा था. मॉव इज अ काइंड ऑफ कलर जो हमारी इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है. ये आई शेडोज बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, बिल्कुल भी इनका फॉल आउट नहीं होता है, बहुत अच्छे से ब्रश के ऊपर पिक हो जाते हैं. एट द सेम टाइम आई टोटली लव द पिगमेंटेशन. आईज के ऊपर लगाने के बाद ये बहुत अमेजिंग लग रहा था इवन दो मैंने अपना आई मेकअप बेस ऑलरेडी सेट कर लिया था. नाउ टू ब्लेंड दिस आउट आई एम यूजिंग दिस पिंक शेड जो आपको ब्राउन के साइड में दिख रहा है नीचे की साइड पे, ताकि हम एक क्रीज कलर फॉर्म कर पाए. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पहले डार्क कलर यूज कर रही हूँ देन लाइट कलर की तरफ जा रही हूँ. तो पहले हमने डार्क कलर प्लेस कर लिया हुआ है इसलिए अब हम लाइट कलर प्लेस करने वाले हैं और उसको धीरे धीरे प्रोडक्ट को ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे. सो वंस वी आर डन ब्लेंडिंग इट आउट आपका आई मेकअप कुछ इस तरीके से लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा नेचुरल. सेकेंड आई क्विकली कर लेते हैं एंड देयर यू गो. अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी लुक को छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ में से एक प्रिटी सा ग्लिटर पिक करने वाली हूँ लाइट पिंक कलर का एंड उसको अपनी मिडल आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी. अगर आप चाहो तो आप सिर्फ अपनी अंदर की आईज पे अप्लाई कर सकते हो आईलेट पे, अगर आप चाहो तो पूरी आईलेट पे लगा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ मिडल पे अप्लाई करूंगी एंड देन जो एजेस हैं उनको एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से बफ आउट कर दूंगी ताकि ग्लिटर जो है वो सिर्फ मिडल में विजिबल हो. वंस वी आर डन विद दैट आई एम गोइंग टू यूज द स्विस ब्यूटी पॉप आई स्टाइल लाइनर इन द शेड येलो. बिकॉज हमने ग्रीन कलर की आउटफिट डाल रखी थी, आई थॉट कि हमें थोड़ा सा कलर प्रोवाइड करना चाहिए आईज पे एंड ग्रीन के साथ येलो बहुत अमेजिंगली जाता है. सो यहाँ पे मैं एक विंग आई लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ अपनी आईज पे अमेजिंग अ पॉप ऑफ कलर देने के लिए. बट आई रियली थॉट कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यार एक ग्राफिक आई लाइनर करना चाहिए, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लैक लॉन्ग वेयर नॉन ट्रांसफर आईलाइनर पेन. ये बहुत ही फाइन टिप के साथ आता है, बहुत इजीली इससे आप अपने ग्राफिक आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो एंड आई टोटली लव द लुक. दिस इज वाटरप्रूफ एट द सेम टाइम ट्रांसफर प्रूफ. देन जो कलर हमने अपनी आईलेट पे प्लेस किया था आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन माय लोअर लैश लाइन एज वेल एंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन ब्रश मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि आई लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा नाइस एंड स्मोकी लगे. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द स्विस ब्यूटी प्रिसिशन थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा एंड इसको मैं अपनी आईलैशेस पर अप्लाई कर लूंगी. इफ यू गाइस वांट आप यहां पे आईलैशेस फेक आईलैशेस भी वेयर कर सकते हो, बट यू गाइस नो नवरात्रि में गरबा खेलते टाइम हमें किसी को नहीं चाहिए कि हमारी आईज बहुत हैवी लगे और हमें अनकंफर्टेबल फील हो. फाइनली आई एम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटी होल्ड मी मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड क्यूट न्यूड एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पे. दिस शेड वॉज रियली गोइंग विद माई आउटफिट एंड माई आई मेकअप टू एंड ये सब करने के बाद हमारा मेकअप लुक हो जाता है खत्म. सेट कर लेंगे यूजिंग द स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर, बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है और उसे बना देता है लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट इज द फाइनल लुक गाइज. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.